हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिज्ञासा। आज का मेरा जो वीडियो है वो स्पाइडर प्लांट के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको स्पाइडर प्लांट के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगी, इसलिए मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्पाइडर प्लांट है ये देखने में कितना खूबसूरत, कितना ब्यूटीफुल लगता है। इसीलिए स्पाइडर प्लांट एक इंडोर प्लांट भी है। इसे आप इंडोर और आउटडोर दोनों जगह रख सकते हैं। अगर आप इसे अपने बेडरूम में रखते हैं तो ये आपके बेडरूम को एक खूबसूरती देता है, बेडरूम का लुक जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। अगर इस प्लांट की हम अच्छे से केयर कर लेते हैं तो ये प्लांट सालों साल हमारे पास रहता है। आप जानते हैं कि जो स्पाइडर प्लांट है ये एक बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है। ये जो हमारी जो जहरीली गैसें होती हैं जैसे कि नाइट्रोजन, जायलीन और कई कई सारी जहरीली गैसों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, इसीलिए इस प्लांट को इंडोर रखा जा सकता है। इस प्लांट की रूट्स में पानी स्टोर रहता है, सो अगर आप पानी डालने में कभी कभार लेट हो भी जाएँ तो भी यह प्लांट मरता नहीं है। लेकिन ओवर वाटरिंग इसके लिए अच्छा नहीं है। ओवर वाटरिंग से इसकी लीव्स पीली पड़ने लगती हैं। अगर इसकी पत्तियां पीली हो जाती हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप उन पत्तियों को निकालते जाइए। ऐसा करने से इस प्लांट में नई पत्तियां आती जाएंगी। इस प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से इसकी जो पत्तियां हैं वो ब्राउन होकर के गिरने लगती है और ये प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाता है। इस प्लांट को मॉइस्चर होल्ड होना पसंद है, इसीलिए इसमें ज़्यादा पानी की भी नीड नहीं होती है। सप्ताह में एक बार आप इसे पानी देंगे तो भी ये प्लांट अच्छे से सर्वाइव कर जाए। अब बात करें फर्टिलाइज़र की, तो इसको नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइज़र दे सकते हैं जैसे कि गोबर की खाद और कई तरीके के फर्टिलाइज़र भी आप इसको दे सकते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़र की इसे नीड नहीं होती है, महीने में एक बार भी देंगे तो ये जो प्लांट है वो आसानी से ग्रो करता रहेगा। इस प्लांट को ग्रो करना बहुत ईजी है। आप देखेंगे कि इस प्लांट में से छोटे छोटे से बेबी प्लांट्स जिन्हें कि पप्स भी बोलते हैं ये निकलते रहते हैं, तो इन पप्स को कट करके अगर हम किसी दूसरे पोट में लगा देते हैं तो ये आसानी से ग्रो कर जाता है। जैसे कि मैंने एक प्लांट से मैंने कई सारे छोटे छोटे प्लांट्स बना लिए हैं इन्हीं पप्स को कट करके। इन्हीं पप्स को मैंने कट किया और इन छोटे छोटे पॉट्स में लगा दिया और ये इतनी आसानी से ईजीली इसमें लग। तो इस तरह से ये जो प्लांट है ये एक इजी टू ग्रो प्लांट है। इसे आप एक बार लेकर के आइए अपने गार्डन में और उससे आप ढेर सारे प्लांट्स आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अब बात करते हैं सॉइल मिक्सचर की, तो इसमें 50% गार्डन सॉइल और 50% कंपोस्ट होनी चाहिए। कंपोस्ट में आप कोको पिट भी ले सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉइल है वो मतलब केवल गार्डन सॉइल ही इसमें ना लें, कोई भी एक आप इसमें कंपोस्ट ज़रूर डालें। ओनली वन थिंग इज़ दैट कि जो सॉइल मिक्सचर है वो वेल ड्रेंड होना चाहिए और जब आप इसमें पानी डालें तो जो मिट्टी है उसमें से पानी आसानी से निकल जाना चाहिए। इसका जो पोट है वो भी वेल ड्रेंड होल वाला होना चाहिए जिसमें से पानी जो है वो आसानी से निकल जाए। सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी में ये प्लांट स्ट्रेस में चला जाता है, बाकी इस प्लांट को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। यह एक बहुत ही ईजी टू ग्रो प्लांट है, इसे ज़्यादा केयर की नीड नहीं होती है, ज़्यादा पानी की भी इसे नीड नहीं होती है। तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको अपने वीडियो में बताई, इन सब बातों का ध्यान रख करके आप अपने गार्डन में स्पाइडर प्लांट को आसानी से ग्रो कर सकते हैं। इंडोर में रख करके अपने रूम को एक ब्यूटीफुल लुक आप दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइए और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर दीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक मेरे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।